आज फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर पे फील्ड एंड पोटेंशियल के कंसेप्ट पे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि देखने में थोड़े टिपिकल लगते हैं, बट फाइनली जब हम एप्लीकेशन सीखेंगे तो पता चलेगा कितने टिपिकल नहीं है, बस कंसेप्चुअल होते हैं ये सारे। लेट्स सी, पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट ए अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एंड अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख के आपको पता चल रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नीचे में स्पेसिंग कम है मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है, ऊपर में स्पेसिंग ज्यादा है मतलब कम स्ट्रेंथ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे फाउंटेन होती है, जैसे वर्टिकल एक्सिस आप वाई एक्सिस जो उसको फाउंटेन का एक्सिस मान लो, तो जैसे जैसे स्प्रेड आउट हो रही है ऐसे फाउंटेन की तरह, तो ये ऐसे सिमेट्रिकल दिखेगी आपको ऊपर से। ठीक है, with respect to rotation about y-axis and the lines of electric field in a plane are shown in the figure. The charge modulus in the particle is changed gradually till it shifts to another position B. पहले वो इक्विलिब्रियम पे था A पे, अब वो B पे चला गया चार्ज की मैग्नीट्यूड को चेंज करके। ऑब्वियसली चार्ज की मैग्नीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले इक्विलिब्रियम पे था यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे अगर इक्विलिब्रियम पे था वो, तो पॉइंट ए पे अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखूँ तो ऊपर की तरफ Q into E at A और नीचे की तरफ एम जी, ये दोनों आपके बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया मतलब क्यू ई इज इक्वल टू एम जी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए लेंगे, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद उसने कह रखा है कि बी पे भी इक्विलिब्रियम पे है, और बी पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि स्पेसिंग कम है, तो इसका मतलब पक्का है कि बी पे आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको फिर से वापस इक्विलिब्रियम पे चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू डैश इंटू ई बी, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी ऑल्सो। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो आपको यही पता चल रहा है क्यू क्यू इंटू ई ए शुड बी इक्वल टू क्यू डैश इंटू ई बी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द चार्ज मॉडुलस ऑन द पार्टिकल इज चेंज ग्रेजुअली टिल इट शिफ्ट्स टू अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन बी विद द हेल्प ऑफ द फिगर एस्टीमेट फ्रैक्शनल चेंज इन द चार्ज मॉडुलस। तो चार्ज का बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्यू डैश माइनस क्यू बाई क्यू निकालना है, मतलब क्यू डैश बाई क्यू एंड माइनस ऑफ वन निकालना है, यही निकालना है आपको। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यू डैश बाई क्यू इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये वाली वैल्यू अगर रेशियो में मुझे पता चल गई तो मैं डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अभी कर करके देखते हैं। एक चीज जो आपको ये पता चल रही है कि जितने काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स है जो -5 से +5 के बीच में देखो कंसेंट्रेटेड है, ये वाली रीजन आप चेक करो, ये वाली रीजन में, ये वाली रीजन में, मतलब ये तो एक्चुअली एक सर्कुलर स्ट्रिप ही होगा ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज सर्कुलर स्ट्रिप, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक था, उसने कह रखा था ना अबाउट फील्ड वाज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो ये ऐसा सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक आपको दिखेगा, मतलब यहाँ से ये एक्सिस है तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चारों तरफ ऐसे सिमेट्रिकली ये स्प्रेड आउट कर रहे हैं। तो इस केस में काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस जो आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस में है और काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस जो कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के रेडियस में है, वो काउंट ऑफ लाइन सेम है, और काउंट ऑफ लाइन सेम होने का मतलब फ्लक्स सेम है। फ्लक्स कैसे निकालते हैं आप, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया करके, एंड वो इनडायरेक्टली आपको क्या देता है, फील्ड का स्ट्रेंथ देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको पता है कि वो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया देती है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करनी है। कंसेप्ट क्या यूज करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड का डेंसिटी, फील्ड लाइंस डेंसिटी, फील्ड लाइन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो बस जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो आप नंबर ऑफ लाइंस तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस में एन ही लिख लिया एंड डिवाइड बाई एरिया, कितने एरिया में वो स्प्रेड था ए पे जब था वो, तो पाई इंटू 15 का स्क्वायर पे स्प्रेड था। वही चीज जब आप बी पे लिखोगे तो कितने लिखोगे, एन बाई पाई इंटू 5 का स्क्वायर कर लेंगे, नंबर ऑफ लाइंस तो कॉमन है वो कट जाएगा यहाँ से, एंड देयरफॉर व्हाट यू गेटिंग इज ये आ गई आपके पास 3 ऊपर चला, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा, दिस विल बी 1/9, मतलब चार्ज आपको 1/9 आपको कर देना पड़ेगा। सो देयरफॉर आपको जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1/9 -1 एंड दैट विल बी माइनस ऑफ 8/9, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि आपको चार्ज डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। अ क्यूब मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
throughout its volume, assuming electric potential due to its charge at infinitely distant places to be zero, which is normally assumed, infinity becomes zero mante, potential at center is found to be V naught. What is the electric potential at one of its corners? Okay. Just a sec. Situation as he occupies. ये क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल उसने वी नॉट दे रखा है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसको सी मार्क कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एट सी इज वी नॉट. अब ये पूरा का पूरा क्यूब जो है वो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर पे, अगर आप देखोगे इस बड़े क्यूब के सेंटर पे, आठ छोटे छोटे क्यूब का कॉर्नर पड़ रहा है, दिख रहा है. और हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो छोटा क्यूब है उसके कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल होगा वो आपका 1/8 हो जाएगा टोटल का. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक की वजह से जितनी पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा बाकी सब की वजह से भी जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका सेम ही होगा. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि एक की पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन अगर मान लेते हैं कुछ एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए अगर v होता तो 8 टाइम्स ऑफ v वुड हैव गिवन यू v नॉट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ v. यहां पे ये भी कह सकते हैं दिस इज कंट्रीब्यूशन of potential from 8 small cubes individually and therefore jo potential corner pe ek chote cube ke corner pe jo aa rahi hai that is coming out to be v naught by 8. So ye likh sakte hain, this is v naught by 8 at corner of each स्मॉल क्यूब. ठीक है, अब ये सोच के देखो कि अगर मैं इमेजिन करो कि एक अब क्यूब का डायमेंशन को बस चेंज कर दें, ठीक है, क्यूब का डायमेंशन को चेंज करें और डेंसिटी को वही रखें, तो अब हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, अब ये सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है. क्वेश्चन उसने क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब ये बड़े क्यूब के कॉर्नर पे चाहिए, बट मैंने छोटे क्यूब के कॉर्नर पे निकाल लिया है. अब मुझे कुछ ना कुछ लॉजिकली सोच के यहाँ पे अब ये काम करना पड़ेगा. एक चीज भी अगर लॉजिकली सोची जाए तो हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होती है, इन जनरल जो पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं तो वो एक एक कांस्टेंट इनटू चार्ज एंड डिवाइड बाय लीनियर डायमेंशन ऑफ द फिगर होता है. जैसे अगर आप सोचो कि एक ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फिगर होना चाहिए, जैसे एक स्फीयर होगा तो स्फीयर के जब आप सरफेस पे या सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं तो के क्यू बाय आर यूज करते हैं, तो वहां पे आर का डायमेंशन इन्वॉल्व होगा. वही चीज अगर आप एक डिस्क के पेरीफेरी पे अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो वो आती है सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आती है. तो सिग्मा की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया लिखोगे तो q by pi r square लिखोगे एंड न्यूमरेटर में एक r है तो उस केस में q by r का फैक्टर फिर से आ जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो कोई भी एक रेगुलर फिगर जब आप बात करते हो तो रेगुलर फिगर के लिए आपका जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है वो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में डायमेंशनली अगर देखें तो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद kq by r का फैक्टर होना चाहिए, मतलब r being replaced by any linear dimension of the figure, जो भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर आप चूज कर रहे हैं. अगर स्फीयर चूज कर रहे हैं तो उसका रेडियस होगा, डिस्क चूज कर रहे हैं तो उसका रेडियस होगा, या अगर क्यूब चूज किया तो उसका साइड लेंथ को आप लिख सकते हैं यहाँ पे. तो सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि जो पोटेंशियल होगी किसी एक कॉर्नर पे, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक पोटेंशियल कॉर्नर पे अगर मुझे लिखनी है, इफ आई एम सपोज टू राइट आउट दिस पोटेंशियल ऑफ कॉर्नर, तो पोटेंशियल ऑफ कॉर्नर अगर लिखें तो इसको डेफिनेटली हम लिख सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं. ये लेंथ मतलब ये साइड लेंथ ऑफ क्यूब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये साइड लेंथ ऑफ क्यूब लिख रहे हैं. अब चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी, तो इसका मतलब है चार्ज को वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ए क्यूब कर लिया एंड डिवाइडेड बाय ए रहने दिया. तो अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल फाइनली जो एक्सप्रेशन में आ रही है, पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ रही है, मतलब एक कॉर्नर पे जो पोटेंशियल होगा एक क्यूब की वजह से वो उसके साइड लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग अवे. अब खुद ही सोच के देखो, हमने जो छोटे क्यूब पे पोटेंशियल निकाला वो वी नॉट बाई एट निकाला एक छोटे क्यूब की वजह से, उसका साइड लेंथ कितना था, a था, अगर आप देखोगे a by 2 था, सॉरी, तो ये देखोगे तो a by 2 है, ठीक है. और बड़े क्यूब का जो पोटेंशियल है उसके लिए अगर निकालना है उसका साइड लेंथ देखो डबल हो चुका है, a by 2 से a हो चुका है,
तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल आया अगर साइड लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो साइड लेंथ डबल करने से पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, चार गुना हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल आपने एक छोटे वाले क्यूब के लिए लिखा है, उस छोटे वाले क्यूब का चार गुना पोटेंशियल आपको बड़े वाले क्यूब के कॉर्नर पे मिलेगा। सो देयरफॉर हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टू, साइड लेंथ डबल हुई है तो इसका स्क्वायर कर लो एंड मल्टीप्लाइड विद वी नॉट बाई एट कर लो, विच इज गिविंग यू वी नॉट बाई टू, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करने में आपको हेल्प करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली हम मोर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही यूज कर रहे हैं, के क्यू बाय लीनियर डिस्टेंस एंड उसके साथ कोई भी एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ सिमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन करने हैं, okay? बड़े क्यूब से छोटे क्यूब या छोटे क्यूब से बड़े क्यूब, इनका ही कैलकुलेशन करना है। डेंसिटी मेंटेन करके कर रहे हैं तो बाकी तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन देखो, एक और दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी ग्रास्प हो जाए क्वेश्चन का कांसेप्ट। कंसीडर अ क्यूब एज शोन इन द फिगर 1, ठीक है, फिगर 1 में एक कंप्लीट क्यूब दिखा रखा है विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर आर E नॉट एंड V नॉट, ओके, रेस्पेक्टिवली। अ पोर्शन ऑफ हाफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज कट एंड रिमूव्ड एज शोन, ठीक है, वो काट के देखो बाहर निकाल दिया है, ठीक है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन द न्यू स्ट्रक्चर, फिर से वापस से सेम क्वेश्चन आ गया देखो। तो अभी उसने क्या कह रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो दे रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये उसने दे रखा है वी नॉट है, ठीक है। अब मुझे पता है अभी हमने देखा था कि जो पोटेंशियल आ रही थी वो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही थी, ए स्क्वायर आ रही थी, इसकी साइड लेंथ ए है, दिस साइड लेंथ इज ए, तो इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए बाई टू है। तो हमने जो काटा है क्यूब, उस काटे हुए क्यूब का खुद का कंट्रीब्यूशन उस कॉर्नर पे कितना होता है ये सोचो। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कट आउट पोर्शन वुड बी वी नॉट बाई टू का स्क्वायर हो जाता, क्योंकि इसको ऐसे वी नॉट बाई टू का स्क्वायर नहीं लिखे, इसको ऐसे ले सकते हैं, साइड लेंथ हाफ हुई तो उसको ऐसे हाफ का स्क्वायर करके लिख दो, हाफ का स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद वी नॉट होनी चाहिए, मतलब वी नॉट बाई टू आ जाएगी। वी नॉट बाई फोर, सॉरी वी नॉट बाई फोर आ गई है, ठीक है। तो ये एक छोटे वाले क्यूब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब अगर एक छोटे वाले क्यूब का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वी नॉट बाई फोर का है तो इस कॉर्नर पे, तो बाकी का सबका मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, अब ये निकाल सकते हैं इजिली आप। कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि टोटल पोटेंशियल कितना है वहां पे, वी नॉट, और छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन खुद का वहां पे कितना है, वी नॉट बाई फोर का है। सो देयरफॉर जो अपना रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल वो कितनी हो जाएगी आपकी, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई फोर, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स थ्री वी नॉट बाई फोर आ जाएगा। सो थ्री वी नॉट बाई फोर तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख ही रहा है, ठीक है, तो यह ऑप्शन सी से एक बार मैच कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे पोटेंशियल के लिए हमने देखा था, वैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आप डायमेंशनल लिखोगे तो डायमेंशनल क्या आना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज का लीनियर डिस्टेंस, चार्ज का पावर वन ऊपर में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डायमेंशन किसी रेगुलर फिगर का एंड उसका स्क्वायर करना होगा डिनोमिनेटर में। बाकी कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो सकती है बट उससे मुझे मतलब नहीं है। तो अभी अगर आप लिखोगे फील्ड लिखोगे तो उसके लिए कैसे लिखोगे, आप फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड पर यूनिट साइड लेंथ का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि हम रेशियो से एनीवेज काम करने वाले हैं। फिर चार्ज की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे आप, ए क्यूब लिखोगे, साइड लेंथ का क्यूब, क्यों, क्योंकि डेंसिटी टू वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू ए आ रही है, मतलब साइड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर बड़े वाले क्यूब के कॉर्नर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो इसका मतलब है कि उस छोटे वाले क्यूब के वजह से जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी ई नॉट बाई टू आएगी, क्योंकि साइड लेंथ आपकी कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि इस कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होगी, इसको तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये थोड़ा सा यू नो तिरछा बाहर आएगा, मतलब इससे ऐसे कैसे दिखाऊं मैं आपको, मतलब ये एक कॉर्नर से आपको बाहर की तरफ दिखाना है, आप प्लेन में नहीं दिखा सकते, मतलब ऐसे दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे मतलब ये थ्री डायमेंशन आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे आप फील्ड की वैल्यू की बात कर सकते हैं। तो यहां से अब आपको ये पता चल रहा है, देयरफॉर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू स्मॉलर कट आउट
portion is E naught by 2 क्योंकि साइड लेंथ आपको आ चुकी है. सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दैट विल बी E नॉट माइनस ऑफ E नॉट बाई 2. स्केलर की तरह क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो आपका चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो वैसे ही रहेगा कि एक कॉर्नर पे जब आप निकाल रहे हो तो बड़ा क्यूब लोगे तो भी उसके बॉडी डायगनल के अलोंग फील्ड आएगी, छोटा क्यूब लोगे तो भी उसके लिए बॉडी डायगनल पे ही क्यूब आएगी. तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही था, इसलिए वो आप स्केलर की तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये E नॉट माइनस ऑफ E नॉट बाई 2 जो कि आपका E नॉट बाई 2 आंसर हो जाएगा. तो E नॉट बाई 2 फील हो जाएगी एंड पोटेंशियल आपकी 3 V नॉट बाई 4 हो जाएगी. तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. टू पॉइंट लाइक चार्जेस Q1 इक्वल टू 4 nanocoulomb एंड Q2 इक्वल टू 1 nanocoulomb आर फिक्स्ड इन फ्री स्पेस. एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व शोन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दीज चार्जेस इज 900 वोल्ट. ओके, सो ये वो कह रहे हैं कि वो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इसकी वैल्यू उसने 900 वोल्ट दे रखी है आपको. ठीक है, अब उसने पूछा है कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितनी होगी, आपको फाइंड करनी है. ये वाली सेपरेशन चाहिए अपने को. दिस सेपरेशन इज टू बी फाउंड आउट. ठीक है, अभी सेपरेशन कैसे निकालेंगे पहले लॉजिकली सोचते हैं. एक चीज देखो, अगर आप एक चीज आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर जगह पे परपेंडिकुलर होने चाहिए, हर जगह पे. तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेंगे तो अगर आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे ये मतलब जो डम्बल शेप जो दिख रही है आपको, जहां पे दो लोब्स आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर आप देखोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे. यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे उन्होंने दिखा रखी है, उसमें आप कोई भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चूज ही नहीं कर पाएंगे. आपने किसी भी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चूज किया तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी. जैसे किसी ने बोला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो इसका कॉम्पोनेंट अगर आप देखोगे, इधर से अगर थीटा बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट इधर आ गया, दिस विल बी ई कॉस थीटा. और इसकी वजह से तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग दी सर्फेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्फेस के हर जगह पे परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन नहीं कर सकते जो कि इस सर्फेस पे कहीं पे भी आपका परपेंडिकुलर, मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हर जगह पे आपको परपेंडिकुलर दिखे. इसीलिए यहाँ पे एक ही चीज पता चलती है कि जहां पे भी ऐसा दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस आके इंटरसेक्ट करें, क्योंकि बेसिकली अगर देखोगे तो Q2 के अराउंड में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग से ड्रॉ कर रखा है, Q1 के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर रखा है, एंड वो दोनों इक्विपोटेंशियल सर्फेस को बेसिकली उसने इंटरसेक्ट करा के रख दिया है. तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान रखना कि ये वाली पॉइंट बेसिकली आपकी नल पॉइंट हो जाती है. तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर जीरो नहीं हुई तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करोगे तो उसका एक कॉम्पोनेंट आपका अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सर्फेस आ जाएगा, विच विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द इक्विपोटेंशियल डेफिनेशन. ठीक है, तो अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, तो अब आप यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस को आप मार्क कर लो. ये डिस्टेंस को मार्क कर लो आप R1 है, और ये डिस्टेंस को आप मार्क कर लो R2 है. एंड अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होने का कंडीशन लिख लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, एंड इसका मतलब है चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. सो यहाँ से Q1 और Q2 तो आपको पता है ये 1:4 का है. सो Q1 इज 4 टाइम्स ऑफ Q2, तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं. तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है R1 की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ R2. ये आपको पहली डेटा आपको मिल चुकी है. ठीक है, दूसरी चीज अब पोटेंशियल की वैल्यू डेटा वाली यूज करो. सो पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट ए पे लिखता हूँ, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं जंक्शन को, तो पोटेंशियल एट ए कैन बी रिटन एज K Q1 बाय R1 एंड प्लस K Q2 बाय R2. यहां से लिख सकते हैं, एंड R1 की वैल्यू को 2R2 या R2 की वैल्यू को 2R1 सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहां से लिख सकते हैं K Q1 बाय R1 एंड प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R2 विच इज R1 बाय 2. तो यहां से 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगी दिस विल बी K बाय R1 एंड यहां पे हो जाएगी Q1 प्लस 2Q2 एंड इसकी वैल्यू उसने दे रखी है दिस इज 900 वोल्ट. तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जस्ट R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R1 की वैल्यू आपको मिल रही है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 प्लस 2Q2. Q1 है 4 एंड Q2 है 1, तो 4 + 2 = 6. 6 × 10⁻⁹ कूलम, फिर डिवाइडेड बाय 900. यहाँ लिख लेना, 900 लिख लिया. ये डेसिमल तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना है, ये 100 आ जाना है यहाँ से,
एंड यार ये 6/100 meters में आ रही है क्योंकि ऐसा ही यूज किया हमने, इसका मतलब 6 centimeters है ये. एंड जैसे आपको R1 6 centimeter पता चल गया तो R2 पता चल गया आपको, दिस इज 3 centimeter एंड देयरफॉर R1 प्लस R2 आपका 9 centimeter हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कभी भी अगर दो चार्जेस के सराउंडिंग में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिखा रखे हैं, उसको कहीं पे इंटरसेक्ट करा दिया, तो समझ जाना कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे बेसिकली फील्ड आपकी जीरो नहीं है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन फ्री स्पेस टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल अननोन मासेस आर नोन एंड नोन चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड यू इन ऑपोजिट डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग देम. Their initial separation is R naught. During the subsequent motion, their minimum speed is observed to be V minimum. Find the masses of the particles. Okay. मैं ये V minimum को अपनी convenience के लिए बार बार minimum subscript add करना पड़ेगा, इसको V मान लेता हूँ. ठीक है. Okay. अब ये V minimum दे रखा है, V U दे रखा है, R naught दे रखा है and हमें mass की value निकालनी है. अब देखो एक चीज अगर देखोगे तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन पे अगर मूव करते हैं, एंड ये कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है सेंट्रल फोर्स है, अगर सेंट्रल फोर्स मतलब कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, तो क्या क्या चीजें हैं जो कंजर्व रहती है. पहला चीज है मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपकी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहनी चाहिए, ये पहली चीज है. दूसरी, सिंस ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है कि इसमें हमेशा लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस के एक ही रहेंगे, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह है. तो जैसे अगर यहां से अगर देखोगे, जैसे इसमें ही सोच के देखो आप, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो ये होल्ड करेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगी एफ, तो इधर से भी फोर्स एफ इधर लगेगी. तो इससे अगर टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट आप बाहर से ले लेते हो और इसके अबाउट अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो, तो इस फोर्स का जितना टॉर्क आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो दोनों का सेम ही है, तो इसका टॉर्क जितना आएगा क्लॉकवाइज, दूसरे वाले पेयर की वजह से जो फोर्स टॉर्क आएगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, एक्जैक्टली सेम अमाउंट में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का एक ही है, तो इसलिए मिला के टॉर्क आपका जीरो होगा. तो मिला के टॉर्क आपका जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम आपके सिस्टम की कंजर्व होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, ठीक है, सिस्टम के लिए, सिंस एफ एक्सटर्नल आपकी जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्वेशन लगाओगे, डेल्टा एल इक्वल टू जीरो लिखोगे, क्यों, सिंस टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क आपकी सिस्टम पे जीरो है, इंटरनल फोर्सेस टॉर्क क्रिएट नहीं करते. तीसरी चीज आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए. क्यों कर रहे हैं ये, सिंस कंजर्वेटिव फोर्सेज आर ओनली परफॉर्मिंग वर्क, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर ओनली परफॉर्मिंग वर्क. इन तीन चीजों को यूज करके आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब इसको देखें, जैसे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आपकी जीरो आ रही है, क्योंकि दोनों इक्वल मासेस हैं और एक ऊपर फेंका है यू वेलोसिटी से और एक नीचे फेंका वेलोसिटी यू से, तो इसका मतलब है एम वी वन प्लस एम वी टू वेक्टोरियली करोगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा. एंड इससे पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास तो हमेशा रेस्ट पे रहना है, एंड सिंस आइडेंटिकल मासेस है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ही रहेगा. तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जस्ट ओरिएंटेशन बस चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ. जैसे मान लेते हैं कि हमारा सिचुएशन ऐसा था, स्पेस कम लेगा इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा ओरिएंटेशन बस 90 डिग्री टर्न कर दिया. तो इसको हमने इधर यू वेलोसिटी से फेंक रखा है और इस वाले को इधर से यू वेलोसिटी से फेंक रखा है, एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें आर नॉट दिया हुआ है. तो मुझे ये पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच है, ठीक है, और ये कभी हिल नहीं सकता, दिस विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रही है. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने से आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका मोमेंटम आप चेंज नहीं कर सकते, तो पहले से रेस्ट पे तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा. तो होगा क्या, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा जैसे ही आगे निकलेगा, थोड़ा सा जैसे ही आगे निकला, तो अब ये भी इसी तरह से आगे निकलेगा, बट इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, मैं एक छोटे से डीटी टाइम इंटरवल के बाद बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट पाथ लीनियर मानेंगे डीटी टाइम इंटरवल के बाद बात कर रहा हूँ, तो इस पे फोर्स जो लगेगी वो इस तरफ लगेगी और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स की अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट है, एक जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है और एक जो पैरेलल टू वेलोसिटी है, मतलब जो एंटी पैरेलल है. तो जो एंटी पैरेलल है वेलोसिटी के, मतलब इसको मैं एफ परपेंडिकुलर एंड इसको एफ पैरेलल लिख दे रहा हूँ, तो F perpendicular जो है वो उसके पाथ को curve करेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी particle की velocity के perpendicular अगर कोई force लग रही है तो इसका मतलब है वो पाथ को bend कराएगा ही कराएगा, तो इसका पाथ जो है वो basically ऐसे bend कर लेगा, ऐसे bend कर जाएगा. And F parallel वाला जो component है वो क्या करेगा, इसकी speed को घटाएगा.
तो इसका मतलब है कि लगातार दो चीजें हो रही है, एक है कि इसका पाथ अब बेंड करना शुरू करेगा एंड दूसरा यह है कि इसकी स्पीड भी जो है वो घटनी शुरू होगी क्योंकि जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है। तो स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, कब तक घटेगी? जब तक, सोचो एक चीज लॉजिकली सोचो, जैसे अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से ऑब्जर्वेशन है मेरा और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी किसी भी एक डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, इस तरफ वेलोसिटी है इसका, सोचो इसका वेलोसिटी इस तरफ है। अब मैं अगर कहता हूं कि इसके ऊपर मैं एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं जो कि इसकी वेलोसिटी के साथ एक सर्टन एंगल बना रहा है और वो एंगल एक्यूट है, वो एंगल एक्यूट है, तो फिर उस केस में सोचो कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये फोर्स लगा रहे हैं हम, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एंगल अगर एक्यूट आपको दिखता है, इफ दिस एंगल इज एक्यूट, तो इससे आपको एक चीज डेफिनेटली पता चलती है कि इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का कॉम्पोनेंट जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। बट अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स आप ऐसे नहीं दिखाएंगे वेलोसिटी के ऑब्ट्यूज एंगल पे, मतलब कुछ ऐसा सोचो इस तरफ से ये फोर्स ऐसा दिखा रहे हैं हम, तो अब ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो फिर उससे आपको ये पता चल रहा है कि फोर्स का जो कॉम्पोनेंट है एफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वाली कॉम्पोनेंट उसकी स्पीड को घटाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड घटता जाएगा एंड इसका पाथ भी बेंड करता जाएगा, तो सिचुएशन होगा ऐसा कुछ दिखेगा, अगले पल ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वापस से वैसे ही सोचेंगे, फिर से यहाँ पे फोर्स ऐसे दिख रही है एंड फिर वेलोसिटी आपकी अलोंग द टेंजेंट दिखेगी, तो ऐसे वेलोसिटी दिख रही है, फिर से देखोगे तो एंगल ऑब्ट्यूज है, फिर से थोड़ा सा टर्न कर जाएगा ऐसा। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वेलोसिटी इस तरफ तो फोर्स इस तरफ आएगा, ये देखो ऐसा, तो इसी इंस्टेंट पे जो सेपरेशन है वो आपकी जो है सेपरेशन है वो सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद फिर ये इंस्टेंट पे ही इसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी मिनिमम होगी, ये मिनिमम वेलोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर देखोगे ये इस बार इसको अगर फर्दर बेंड कराता है तो इधर आएगा और इस इंस्टेंट पे इधर आने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो वेलोसिटी इस तरफ है एंड फोर्स का डायरेक्शन देखो आप इधर, ये एंगल एक्यूट हो चुका है, तो जो एंगल ऑब्ट्यूज दिख रहा था पहले वो अब एक्यूट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अब स्पीड क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो स्पीड बेसिकली वहां पे मिनिमम होगी जहां पे इसकी वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है राधा वो दोनों आपके क्या दिखेंगे, वापस से आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखेंगे। इसका पाथ जो है वो बेसिकली जैसे सिंस ये बाउंड फोर्स का सिस्टम है, बाउंड फोर्स मतलब कि इसमें आपने इतनी वेलोसिटी नहीं दी है कि इन्फिनिटी तक जा रही है, तो फिर इस केस को हम बाउंड सिस्टम कह रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में जो पाथ होगा वो आपके दो ही पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो सर्कुलर होंगे या फिर आपका एलिप्टिकल होगा, और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। तो इसके लिए जो पाथ होगा सिंस सर्कुलर नहीं है, क्योंकि सर्कुलर होने के लिए तो फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी की बात ही नहीं होती, सर्कुलर होता तो स्पीड एक ही होता, वो चेंज नहीं करता, तो इसलिए पाथ जो होगी वो यहाँ पे आपकी एक एलिप्टिकल पाथ बनेगी। तो एलिप्टिकल एक पाथ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ वापस से वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। Just a second. Just a second. देखिए सो अभी जैसे इधर से हमने फेंका तो एग्जैक्टली देखो जो चीज मैं बोल रहा था उसको देखो एक बार डायग्राम में वापस से समझाता हूँ। जैसे इसकी पाथ अगर मैं दिखाऊं थोड़ी देर के बाद तो ऐसा कुछ दिखने वाला है, यहाँ पहुंच गया एंड इसकी वेलोसिटी अगर मार्क करें तो यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं वी1 हो चुकी होगी, तो इसकी भी वेलोसिटी अगर दिखाओगे तो यहाँ पे वी1 ही होना चाहिए, सिमेट्री देख के आप कह सकते हैं यहाँ पे ये वी1 ही होगा एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप देखो तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपको जीरो रखना है, ध्यान रहे आपको, तो इससे एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। अब ये स्पीड जो है वो पक्का ही डिक्रीज कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ये एंगल देखो आप अगर देखोगे टेंजेंट ड्रॉ करके ये एंगल, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि बेसिकली ये स्पीड घटा रहा है। और ये कब तक घटाएगा, क्या सिखाया आपको, कि जब तक ये एंगल आपकी 90 डिग्री नहीं हो जाती है, तो ये वाली पॉइंट तक देखो, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे,
क्योंकि फोर्स आपकी यहाँ पे ऐसी लग रही होगी. सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे वी एंड यहाँ पे फोर्स आपका इधर आएगा. ठीक है, तो बस यही है. अब आपको बस जो चीजें आपने वेरिएबल्स आप चूज करो और कैलकुलेशन करना शुरू करो. इनिशियल सेपरेशन आर नॉट दिया हुआ था एंड बाद की सेपरेशन को मैं आर लिख लेता हूँ. ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों की स्पीड मैंने वी मानी है, वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही चूज किया है. ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लेते हैं. तो डेल्टा एल ऑफ सिस्टम आपकी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपको जीरो लिखना है. तो पहले कितना था? एम इंटू यू इंटू आर नॉट बाई टू एंड इंटू टू, दोनों का सेम डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो. एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेम तरीके से एम वी इंटू आर बाई टू एंड इंटू टू. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यू इंटू आर नॉट इज इक्वल टू वी इंटू आर. ये आपकी पहली इक्वेशन होगी. दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगा लो. अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन निकालेंगे. एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इनटू यू स्क्वायर इनटू टू प्लस k into minus of q square divided by r naught, k q1 q2 by r लिख रहे हैं. final kinetic energy is half m into v square into 2 plus potential energy finally which is k minus q square and divided by r. and r की value को first equation से substitute कर दो क्योंकि r एक unknown है, वो दिया नहीं उसने. so जो भी variables आप अपनी तरफ से choose करोगे उसको eliminate भी करना पड़ेगा. तो ये r की value को मैं substitute कर रहा हूँ. this is u into r naught divided by v. तो ये v numerator में चला जाएगा. यहां से ये 2-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2-2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड इसी को रीअरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं m into u square minus v square is equal to k q square by r को कॉमन आउट कर ले तो ये जाएगा 1 minus of v divided by u आ जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज k q square by r and into u minus v divided by u. अब अगर आप देखोगे तो u square minus v square can be written as u plus v into u minus v. तो एक u minus v यहाँ से कट जाएगा. स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट हो रहा है. ठीक है, तो अब उस इक्वेशन को इसमें रिजल्ट को यूज कर लेते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं m into u plus v into u minus v and that will be equal to k q square by r into u minus v divided by u. This is u minus v which is cancelled out and यहाँ से आपको m की value मिल गई है. So m is coming out to be k q square divided by u r into u plus v. V was v minimum जो कि आपको दिया हुआ data and mass यहाँ से आपको मिल चुका है. Clear है? ठीक है, चलो. So next question पे देखते हैं. ये भी काफी अच्छा question है. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द वेक्टर ई एक्स ई इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज प्रेजेंट इन द एक्स वाई प्लेन. अ स्मॉल रिंग कैरिंग चार्ज प्लस क्यू विच कैन फ्रीली स्लाइड ऑन अ स्मूथ नॉन कंडक्टिंग रॉड इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द रॉड फ्रॉम द पॉइंट जीरो कॉमा एल सच दैट इट कैन रीच द अदर एंड ऑफ द रॉड. वॉट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन टू द रिंग. ओके, ग्रेविटी नहीं है ये उसने कह रखा है, ये चीज का थोड़ा ध्यान देंगे. ग्रेविटी नहीं मानना हमें. ठीक है, हमें यहां पे इस रिंग को इस एंड से प्रोजेक्ट करना था. इस एंड से हमें इसको प्रोजेक्ट करनी है, मतलब एक वेलोसिटी देनी है ताकि ये किसी तरह से यहां पहुंच जाए. ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर वाले एंड से और मुझे लोअर वाले एंड तक पहुंचाना है. इसके लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी आपको देनी है यह पूछा गया. अगर गलत अप्रोच यूज करेंगे तो क्या करेंगे पहले वो बताता हूँ, क्योंकि वो एक यू नो एक इंपल्सिव सा चीज होता है सबके लिए. वो पहला चीज काम करता है. हम ये सोचते हैं कि जहां पे हमें जस्ट पहुंचाने का सोचना है, जहां पे भी हमें जस्ट पहुंचाने का सोचना है वहां पे बेसिकली उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं. नॉर्मली ऐसा सोचते हैं, बट ये कब करते हैं ये भी सोचना चाहिए आपको.
एक चीज सोच के देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोजली मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे ये ग्रेविटेशन में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जैसे ये प्लैनेट ए है मान लेते हैं और यहाँ पे प्लैनेट बी है मान लेते हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लैनेट ए के सर्फेस से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, और मैंने पूछा कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दें सच कि ये प्लैनेट ए से प्लैनेट बी के सर्फेस में चला जाए। तो अब आप क्या आप ये सोचोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होके भी पहुंच गया तो फिर उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके आपको जो स्पीड मिलेगा वो आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये सोचते हैं एक बार, क्यों नहीं होगा? देखो क्यों, पहला चीज ये है कि इसको स्पीड देने की जरूरत ही क्यों है, अगर छोड़ दे तो क्यों नहीं जाएगा? छोड़ दे तो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमें ये पता चलता है कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ए के पास जो होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सरफेस के ए के पास जो होगी वो बड़ी होगी बी के से, इसीलिए आपको ये पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है ए नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो इसलिए वो जाने से उसको खींच लेगा वापस, बट ये लगातार ए तो बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ ए से दूर जाएंगे तो ए का फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, बी का बढ़ता जाएगा, कोई ना कोई एक नल पॉइंट वाला सिचुएशन भी तो आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं नल पॉइंट वाली सिचुएशन है जहां पे नेट फील्ड बैलेंस हो रही है। इसके बाद क्या होगा सोच के देखो, अगर मैं इसके बाद कोई भी रीजन कंसिडर करूं, यहाँ पे कंसिडर करो, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए। इसका मतलब जैसे ही वो नल पॉइंट क्रॉस करके चला जाएगा उसके बाद तो बी खुद ही उसको खींच के सरफेस पे लेके चला जाएगा। इसका मतलब मुझे सरफेस पे पहुंचाने का नहीं सोचना है, मुझे पहुंचाने का वहां तक सोचना है जहां पे आपका नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट जहां पे आ रही है वहां तक ही पहुंचाने का आपको सोचना है। समझ आ रही है? तो इसी सेम कंसेप्ट पे बेस करके यहाँ का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर सिनेरियो पे ही बेस्ड है। अब इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये सिचुएशन ऐसे देखो कि इस बार नल पॉइंट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड नल पॉइंट बोल सकते हैं आप। ये सोचो कि ये रॉड को जो मैंने एक आर्बिट्री पोजीशन पे दिखा रखा है, लेट अस से इसकी कोऑर्डिनेट्स कुछ भी एक एक्स कॉमा वाई हमने चूज कर रखी है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट्स पे अगर आप देखोगे इनिशियली एक इनिशियली एक सिचुएशन को थोड़ा सा ना एनालाइज करना चाहिए एक बार देखो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस रॉड पे ही सोचें तो इनिशियली सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कॉम्पोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कॉम्पोनेंट इज एक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाई कॉम्पोनेंट है दैट इज वाई। मतलब वाई कोऑर्डिनेट अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट भी बड़ा छोटा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट की बात करें तो वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कॉम्पोनेंट भी छोटी होगी। तो इनिशियली अगर देखोगे तो वाई मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फील्ड ही नहीं है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है इनिशियली एंड वाई डायरेक्शन का फील्ड मैक्सिमम है एल, तो इसका मतलब यहाँ का जो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड है दिस इज ई वाई and that is very large and ex यहाँ पे आपको zero दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ring है, यहाँ पे जो ring है उसको vertically upward direction में एक force मिल रहा है और वो rod छोड़ के basically मतलब जो rod है जिसके ऊपर वो ring डला हुआ है वो उसको छोड़ के जा नहीं पा रहा है क्योंकि ring के ऊपर basically वो ऐसे slided है, जैसे ये rod है इसके ऊपर ऐसे slided है ऊपर कोई इसको खींच रहा है तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि ring में फंसा हुआ, rod में फंसा हुआ है। बट जैसे ही इसको अगर कोई किसी तरह से अगर हम नीचे भेज देते हैं, जैसे velocity देके नीचे भेजा हमने, तो जैसे हम वेलोसिटी देके इसको नीचे भेजेंगे थोड़ा नीचे गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा एंड एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। थोड़ा और नीचे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और घटेगा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट और घटेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट जो है वो और बढ़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो एक्स कंपोनेंट बढ़ती जा रही है और वाई कंपोनेंट घटती जा रही है। ये देखो सॉरी ठीक है, अब अगर मैं ये एंगल को थीटा मानता हूँ, सपोज ये एंगल थीटा तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, तो ये भी ये आपकी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड अगर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट मिलेगी मुझे वो कितनी मिलेगी, ई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और इस तरफ की जो कॉम्पोनेंट मिलेगी दैट विल बी ई, ये ई वाई है एंड ये होगा आपका ई एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो कि इनिशियली ई एक्स कॉस थीटा है ही नहीं और ey cos 90 minus theta ही है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ex cos theta बढ़ता जाएगा और ey का cos 90 minus theta मतलब जो sin theta component है वो घटता जाएगा। तो एक point of time तो आएगा ना जहां पे ये दोनों match कर जाएंगे, तो जहां पे ये दोनों match कर गए हैं वहां पे ही basically आपको क्या करना है, energy conservation लगा लेनी है। समझ आ रही है आपको, are you getting it? ठीक है, तो यही कंडीशन को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे ही बेसिकली आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द रॉड मतलब या पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड वो आपकी जीरो जा रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये ई पैरेलल आपकी जीरो जा रही है, तो मुझे बस यहाँ पे ही पहुंचाने का सोचना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ द रिंग रीचेज
a point and just crosses, reaches a point where net electric field along the length of rod becomes zero, then if it just crosses this point, then it will reach the other end. That's it. So work energy theorem apply kar lo. So applying work energy theorem. Kya likhenge hum yahan pe? Applying work energy theorem kya likh sakte hain? Work done by electric field should be change in kinetic energy. Ab values ko substitute karo. So charge into ex dx plus ey dy, and that should be equal to change in kinetic energy, which is half m into final velocity zero and minus initial velocity u square. Ye integration ke limit zero se leke x tak aayega, and y ka limit hoga l se leke y tak. तो ये हो गई आपके पास q into ex, तो आपका x था, तो ये x square by 2 हो जाएगा क्योंकि ex की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, x था वो, ex was x देख लो आप, ठीक है, तो x square by 2 हो जाएगी, and plus ey की वैल्यू y थी, तो y dy का इंटीग्रेशन will be y square by 2, and y square by 2 लिमिट में जब डालोगे तो आपके पास आएगा y square by 2 minus l square by 2, and that should be equal to half m into u square with a negative sign. अब x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया था आपको, ये e parallel 0 क्या था, तो हमें क्या मिला था, ex का cos theta was equal to ey का sin theta, and ex was x, and ये theta तो 45 degree क्योंकि दोनों coordinates आपका l, 0, l और l, 0 है, तो ये angle theta जो है अपना 45 degree है, ठीक है, तो ये theta ही है, अगर थीटा कुछ और होता है तो अकॉर्डिंगली यूज करते, सो थीटा x की वैल्यू आपको बेसिकली y से मैच करनी चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर y से मैच करी इसका मतलब क्या है, ये l by 2 ही रहेगा, ये पक्का है l by 2 ही आएगा, ठीक है, तो अब यहां पे l by 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि l by 2 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो होगा q into l square by 8 plus l square by 8 plus minus l square by 2 is equal to minus of half m into u square. L square by 8 plus l square by 8 will be l square by 4, and minus l square by 2 will again be minus of l square by 4. So yahan se likh sakte hain q into l square by 4 with a negative sign will be equal to minus of half m into u square. Ye negative negative cancel out ho gayi, and ye 2 bhi cancel out ho jayega, so u ki value aa rahi hai aapke paas root under l square, sorry, q into l square divided by 2m, q into l square by 2m, and uska root le lenge, that's it, answer, theek hai, next question pe move karte hain. Three concentric conducting spherical shells a b c having radii a 2a 3a, a b c radii a b a 2a 3a respectively are placed as shown in the figure. Shell B is having a net charge of Q. Iske upar net charge aapka Q diya hua hai. Theek hai? While shells A and C are earthed, A or C earthed hai, theek hai? An uncharged conducting spherical shell D of radius 2A, okay, is placed at a large distance from C. Theek hai? C se bahut large distance pe hai. Ye distance aapka large hai. मतलब इंडक्शन इफेक्ट्स आपको नेगलेक्ट करके चलना है, दिस इज लार्ज डिस्टेंस, फिर ये डी का रेडियस ठीक है 2a है, शेल्स बी एंड डी आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, बी एंड डी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं विद अ स्विच इन बिटवीन, ठीक है, चार्जेस ऑन सेल ए एंड सी पहले आपको निकालना है व्हेन स्विच एस इज ओपन, इसको मैं पार्ट 1 कह लेता हूं और इसको पार्ट 2 कह लेते हैं, ठीक है, तो पहले पार्ट 1 कर रहे हैं, ओके, अभी स्विच खुला हुआ है,
स्विचेस ओपन, तो इसका मतलब डी से उसको कोई लेने देना नहीं, जो शेल डी है उससे कोई लेने देना नहीं है क्योंकि वो तो बाहर ही है, उसका कोई इंडक्शन इफेक्ट वगैरह भी नहीं होना, तो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अब देखो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो हमने चार्ज दिया है बी पे और हमें चार्ज ए और सी पे निकालने का है, तो हम ऐसे देखते हैं कि क्योंकि ए और सी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ से कनेक्टेड होने का मतलब है कि बेसिकली दे आर कनेक्टेड टू सम रिजर्वायर ऑफ चार्ज, और रिजर्वायर ऑफ चार्ज से अगर आपने कनेक्ट किया तो उस पे चार्ज कंजर्वेशन उस इंडिविजुअल कंडक्टर्स पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि अर्थ उनको डेफिनेटली चार्जेस सप्लाई करेगा ताकि उसकी पोटेंशियल जो है बेसिकली जीरो हो पाए जिसको भी इसने ग्राउंड कर रखा है। तो हमारे पास कंडीशन जो है वो ये है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से एक बार ड्रॉ करके। तो ये तीन शेल्स हैं, इनकी रेडियस में मार्क कर देता हूँ एक बारी। दिस इज ए, दिस इज टू ए, एंड दिस इज थ्री ए। हमने इसको अर्थ कर रखा है और इसको भी अर्थ कर रखा है। इसकी चार्ज आपकी क्यू दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं कि अब अंदर वाले पे कुछ एक अर्थ ने सप्लाई कर दिया चार्ज, इसको क्यू वन आ गया, ठीक है। तो इस पे हम चार्ज मान लेते हैं कि क्यू वन आ चुकी है, ठीक है। एंड इस पे मान लेते हैं चार्ज अपनी क्यू थ्री आ चुकी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड है इसलिए मैं क्यू वन एंड क्यू थ्री चूज किया। दीज आर चार्जेस सप्लाइड बाय अर्थ, दीज आर चार्जेस सप्लाइड बाय अर्थ, ठीक है। अब इसको ऐसे यूज करें, जिस पोटेंशियल जीरो होने का कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको इसको मैं वन कह रहा हूं या ए बी सी कर लेते हैं, ए बी एंड सी कह लेते हैं। सो पहले पोटेंशियल एट सी जीरो कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट सी जीरो होना चाहिए क्योंकि वो अर्थ है। पोटेंशियल एट सी अगर जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे तो सी जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है तीनों शेल के लिए, और किसी भी शेल के लिए जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं तो सारा का सारा चार्ज को हम कंसेंट्रेटेड सेंटर मान सकते हैं। तो जैसे ही अगर आपको ये पता चला तो आपने ये लिख लिया कि के इन टू टोटल चार्ज विच इज क्यू वन प्लस क्यू प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ए, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट सी जो है तीनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए तीनों के चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते थे, तो हमें पोटेंशियल अकॉर्डिंगली लिखने में आसानी रहती। तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्यू वन और क्यू थ्री का जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू होनी चाहिए। ये पहली आपको कंडीशन पता चल चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल ऑफ शेल ए जीरो होना चाहिए। तो पोटेंशियल ऑफ शेल ए जीरो करने के लिए आप क्या कंडीशन लिखोगे आप, तो पोटेंशियल ऑफ ए जब जीरो लिखना है तो देखो कि आप ए किसके लिए इंटरनल है किसके लिए एक्सटर्नल है। पॉइंट ए जो है वो सबसे अंदर वाला जो स्फीयर है उसके लिए तो एक्सटर्नल है, तो इसके सरफेस का वैल्यू लिखेंगे। फिर पॉइंट ए जो है वो बी और सी के लिए जो है वो उनके लिए इंडिविजुअली जो है वो इंटरनल पॉइंट है, इसका मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर शेल के लिए पोटेंशियल लिखनी है और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल लिखनी है तो अगर मैं किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से सरफेस तक लाता हूं तो सरफेस तक लाने के लिए ही वर्क करना पड़ेगा, सरफेस से इंटरनल पॉइंट जाने के लिए तो वर्क नहीं करना पड़ेगा उस शेल के लिए। इसीलिए जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही इंटरनल पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा किसी भी शेल के लिए, ठीक है। तो अब मैं यही मेंशन कर रहा हूं यहां पे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज के इनटू क्यू वन डिवाइडेड बाय ए प्लस के इनटू क्यू डिवाइडेड बाय टू ए प्लस के इनटू क्यू थ्री डिवाइडेड बाय थ्री ए एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंडिविजुअली तीनों का सरफेस का लिखा है क्योंकि इंटरनल पॉइंट है ये बाहर वाले दोनों शेल के लिए। अब यहां से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, के भी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉन्स्टेंट से, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है क्यू वन प्लस क्यू बाई टू एंड प्लस क्यू थ्री बाई थ्री। अच्छा, क्यू थ्री की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगी माइनस ऑफ क्यू एंड माइनस ऑफ क्यू वन एंड डिवाइडेड बाई थ्री, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास आ रहा है क्यू वन माइनस ऑफ क्यू वन बाई थ्री विच इज टू क्यू वन बाई थ्री एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई थ्री विच इज क्यू बाई सिक्स, तो माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस ऑफ क्यू बाई सिक्स आ जाएगा। तो ये आ रहा है थ्री, इधर टू से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से आपको Q1 की वैल्यू मिल गई है माइनस ऑफ Q बाई फोर आ रही है। एंड जैसे Q1 की वैल्यू Q बाई फोर नेगेटिव साइन आ गई है, इसका मतलब Q2 की जो वैल्यू सॉरी Q3 की जो वैल्यू हो गई है दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ थ्री Q बाई फोर आ जाएगी। सो Q बाई फोर एंड माइनस ऑफ थ्री Q बाई फोर होना चाहिए, माइनस ऑफ Q बाई फोर एंड माइनस ऑफ थ्री Q बाई फोर, ये ऑप्शन सी मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है चार्जेस ऑन शेल ए एंड सी व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। अब स्विच एस को क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद फिर चार्जेस अपने पूछा है।
तो स्विच एस को क्लोज करने से अब क्या होगा, स्विच एस देखोगे तो पॉइंट बी मतलब इनर शेल और डी से कनेक्टेड है, बट बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ए और सी में से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो एक जंप ओवर का एक सिंबल है, जंप ओवर यहाँ पे, ये जंप ओवर का सिंबल है, ये इंडिकेट करता है कि ए और बी के बीच में से जो वायर जा रही है, मतलब बी से जो वायर गई है वो वहां पे बिना इंटरसेक्ट किए गई हुई है। इंटरसेक्ट किए बिना कैसे जा सकती है, वो छोटा सा होल करना पड़ेगा, यह सरफेस है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया ताकि यहाँ से वायर बस पास कर सके, तो उसके बाद फिर वो यू नो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गई वहां पे, ठीक है। तो इसलिए ए और डी मिला के अब एक कंबाइंड सिस्टम हो चुकी है, उन दोनों को मिला के अब ये सोच सकते हैं कि एक कंबाइंड सिस्टम बन, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम बन गई है, क्योंकि वो दोनों आपस में चार्जेस शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ए पे अगर मतलब ये जो बी वाला जो शेल है उस पे टोटल चार्ज हमने क्यू दिया हुआ था, तो कनेक्शन के बाद बी और डी का मिला के जो टोटल चार्ज सिस्टम का होना चाहिए वो आपका क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अब हम यूज करने वाले हैं। एक बार मैं ये वाली डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास सिचुएशन ऐसा है, ये सेकंड पार्ट पहले कर रहे हैं, इसी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ नहीं है, इसको ओमिट करिए, ठीक है। तो इस बार हम चार्जेस को ऐसा कुछ मान लेते हैं, लेट अस से कि इसमें वैसे ही मान लेते हैं, इसमें चार्ज कुछ एक Q1 आ चुकी है, इसमें कुछ एक Q3 आ चुकी है, इसमें मान लेते हैं Q2 है। तो इसको जब हमने क्लोज किया है तो B और D को मिला के तो एक कॉम्बाइंड सिस्टम होना चाहिए, तो इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो Q-Q2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिला के चार्ज आपका क्यू होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें Q-Q2 हो जाएगा। अब वापस से वैसे ही इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे जो पहले हम लिख रहे थे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अभी इक्वेशंस फिर से फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमें, इसमें वेरिएबल्स हमने कितने चूज किए आप ये देख लो, तीन वेरिएबल्स हैं, Q1 भी नहीं पता, Q2 भी नहीं पता, Q3 भी नहीं पता, तीन वेरिएबल मतलब तीन इक्वेशन आपके पास होना चाहिए। पहला इक्वेशन कहां से आएगा, पहला इक्वेशन आएगा आपके पास इनर वाला शेल को ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल जीरो, आउटर वाला शेल को ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल जीरो, एंड फिर तीसरा कंडीशन आप यूज करोगे पॉइंट ए मतलब जो सॉरी जो बी शेल है और डी शेल है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब वो दोनों इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, तो उसका भी पोटेंशियल सेम होने का कंडीशन लगेंगे। तो तीन इक्वेशन यहां से आएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके करता हूँ, सबसे पहले बाहर वाले शेल का ही पोटेंशियल जीरो कर लेते हैं, तो फिर से सिमिलर वैसे तरीके लेते हैं, इनको एक काम करते हैं, इनको ए बी और सी तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे नाम मैंने कुछ और दिया था, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं कि पोटेंशियल एट सी शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका लॉजिक ऑलरेडी बताया आपको, के क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ए शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड यहां से आपको पता चल गया कि क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ये आपको जीरो मिलनी चाहिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इनर शेल का पोटेंशियल जीरो लिखें, सो पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के इंटू क्यू वन बाई ए प्लस के इंटू क्यू टू बाई टू ए प्लस के इंटू क्यू थ्री बाई थ्री ए this should be equal to zero. So therefore, आपके पास equation आ रही है Q1 plus Q2 by 2 plus Q3 by 3 is equal to zero आ रही है. ये आपकी second equation हो गई है. अब third equation में हम point मतलब shell B and shell D का potential को equate करेंगे. पहले shell B का potential लिख लेते हैं. So potential of B will be equal to potential of D. इसको लिख रहे हैं. तो पोटेंशियल ऑफ बी कितनी है, पॉइंट बी देखो ए के लिए एक सनल है और बी के लिए भी एक सनल है, तो Q1 और Q2 को हम सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, बट जो थर्ड शेल है उसके लिए इंटरनल पॉइंट है, इसका मतलब उसके लिए थर्ड शेल के लिए हमें सरफेस का ही पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं कि के इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2A प्लस के इंटू Q3 डिवाइडेड बाई 3A दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, एंड पोटेंशियल ऑफ डी अब कितनी है, पोटेंशियल ऑफ डी कितनी है, के इंटू टोटल चार्ज कितना है Q-Q2 के इंटू Q-Q2 डिवाइडेड बाई 2A था शायद 2A एंड दैट शुड बी इक्वल, सो के बाई ए तो सब में कॉमन ही है कट जाएगा, एंड यहां से जो रिजल्ट आ रही है Q1 बाई 2 है यहाँ पे, सो आ रही है Q1 बाई 2
प्लस क्यू टू, क्यू टू बाई टू को उधर लेके चले गए तो क्यू टू आ जाएगा, प्लस क्यू थ्री बाई थ्री, क्यू थ्री बाई थ्री दिस शुड बी इक्वल टू क्यू बाई टू होना चाहिए, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आप उनको आराम से अभी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक मिनट जैसे इनको थोड़ा नीचे पुश कर देते हैं, जगह अभी लगेगी इसमें। ठीक है, सो अब इनको ही बस सॉल्व कर लेनी है। तो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री को एक बार सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है सॉल्व करने का, क्यू टू क्यू थ्री अच्छा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा क्यू वन बाई टू माइनस क्यू टू बाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई टू। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन, तो यहां से आपको पता चल गई है कि क्यू वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू टू कितनी है। तो Q1 is equal to लिख सकते हैं Q2 minus of Q है, ठीक है। अब इस equation को further एक बार और use करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने 2 and third को subtract करके हमने Q3 को eliminate किया था, फिर से हम करते हैं यहाँ पे equation number 2 को 3 से multiply कर लेते हैं, 2 को sorry equation number 2 को 3 से multiply कर लें and फिर minus of first equation करते हैं। तो इससे जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है देखें एक बार, 3q1 minus q1 which is 2q1, फिर 3 by 2q2 minus q2, मतलब plus q2 by 2, and फिर q3 तो cancel out हो जाएगा, हाँ मैं q3 cancel out हो जाएगा, 3q1 minus q1 ठीक है, and that should be equal to zero। इसका मतलब आपके पास आ रही है q1 की value should be minus of q2 by 4 होनी चाहिए। अब इसको further यहाँ पे substitute कर देते हैं, तो माइनस ऑफ क्यू टू बाई फोर इज इक्वल टू क्यू टू माइनस ऑफ क्यू, एंड देयरफॉर क्यू टू की वैल्यू आ रही है फोर फिफ्थ ऑफ क्यू आ रही है, फोर फिफ्थ ऑफ क्यू, एंड जैसे क्यू टू की वैल्यू मिल गई है तो क्यू वन की वैल्यू भी आ गई है, ये हो जाएगी माइनस ऑफ क्यू बाई फाइव आ जाएगी, एंड देयरफॉर क्यू थ्री चाहिए तो आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू, माइनस ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू लिखें तो ये हो जाएगा फोर फिफ्थ, एंड वन फिफ्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री फिफ्थ हो जाएगा, तो माइनस ऑफ थ्री क्यू बाई फाइव आ जाएगा, सो फोर फिफ्थ क्यू माइनस वन फिफ्थ क्यू थ्री फिफ्थ क्यू। हमें तो ए और सी में चाहिए, ए में कितना था भूल गया मैं वापस, ए में था आपका क्यू वन आया कितना माइनस क्यू बाई फाइव, माइनस क्यू बाई फाइव, ये तो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखते हैं, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनिटली लार्ज थिन प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ड्यू टू द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज क्यू दे रखा है एंड चार्ज नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब उसने पॉइंट ए पे आपको पूछा है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर कितनी आएगी। अब देखो, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली के क्यू बाय आर लिख सकते थे, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि लाइक चार्जेस आपके रिपेल करेंगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि राइट हाफ में आपके थोड़े से ज्यादा चार्जेस होंगे एंड लेफ्ट हाफ पे रिलेटिवली कम दिखेगा, आपको रिलेटिवली कम दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब सर्फेस पे आप पोटेंशियल के क्यू बाय आर नहीं लिख सकते, यू वोंट बी एबल टू राइट। तो अब क्या कंडीशन यूज करें, कंडीशन ये यूज करेंगे कि जैसे कंडक्टर का कोई भी क्वेश्चन होता है और किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने बोलते हैं आपको, जो कि डिफिकल्ट लगता है आपको पोटेंशियल निकालना, तो एक कॉमन कंसेप्ट जो यूज होती है हर बार वो ये होती है कि कंडक्टर का पूरा जो कंडक्टर है, पूरा इंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल होता है,
इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि पोटेंशियल अगर मैं ए पे लिखूं या पोटेंशियल सेंटर जो कि ओ मार्क कर रखा है उस पे लिखूं तो वो सेम ही होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो दोनों पे पोटेंशियल आपकी सेम होनी चाहिए क्योंकि ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अंदर में, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसका मतलब है जो उस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको पोटेंशियल सबके पॉइंट का इक्वेट करना है। अब पॉइंट ए का पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल इज ड्यू टू द चार्ज क्यू प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द शीट ऑफ चार्ज। जो शीट है अपना एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट दे रखा है, इसको प्लेट ही पी कह लेते हैं, तो ए ड्यू टू प्लेट पी कह लेते हैं। ठीक है, दिस इज पी, प्लेट पी, ये प्लेट को मैं पी कह रहा हूं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए ड्यू टू चार्ज क्यू एंड प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द प्लेट ऑफ चार्ज। लिख सकते हैं इसको। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू चार्ज, मतलब जो शेल है उसकी वजह से चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द प्लेट माइनस ऑफ पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द प्लेट। राइट, अब अगर आप देखोगे तो अगर ये सिंगल प्लेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्लेट है, सोचो ये एक सिंगल प्लेट है और इस प्लेट की जो फील्ड है आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगी दैट इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो पॉइंट है ए के ए और यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, इसकी रेडियस आर है एंड एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं पॉइंट बी ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी है, मतलब ये मैं सिर्फ प्लेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्लस सिग्मा वाला प्लेट दे रखा है, तो उसकी वजह से जो ए और बी है वो सेम पोटेंशियल पे होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ओ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, उससे आपको क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर वी ए माइनस ऑफ वी ओ निकालते हैं, दिस इज ड्यू टू प्लेट, ठीक है, प्लेट की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू को आप लिखते हैं कितनी, दिस वुड बी रिटन एज ई इंटू आर कॉस थीटा आप लिखते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अगर आप देखोगे तो जो इक्वेशन हमारा एग्जैक्टली उल्टा है, ओ माइनस ए करना है, मतलब पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू प्लेट माइनस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लेट करनी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जैसे एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू, क्या लिखेंगे अभी आप? अगर आप ओ पे देखोगे तो ओ से सारा डिस्चार्ज का जो सेपरेशन है, सारा चार्ज का जो सेपरेशन है वो देखो आप फिक्स्ड है, और वो कितना है? कैपिटल आर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी है, बट अगर सारे चार्जेस सेम सेपरेशन पे है तब तो आप डायरेक्टली के क्यू के इंटू टोटल चार्ज डिवाइड बाय आर कर सकते हैं। सारा चार्ज अगर सेम डिस्टेंस पे है तो डायरेक्टली के क्यू बाय आर आप पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये लिखेंगे के इंटू क्यू एंड डिवाइड बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन, मतलब जो सेंटर है उस पर लिखा है हमने, एंड ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इसको लिख सकते हैं ई इंटू आर कॉस थीटा, एंड ई की वैल्यू तो आपको पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस इज के क्यू बाय आर and minus of sigma by 2 epsilon naught and that multiplied with r into cos of theta, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे theta के वैल्यू उसने 60 degree दे रखी है, theta 60 degree substitute कर दो, cos 60 आपकी half हो जाएगी, तो half of half मतलब 1/4 आ जाएगा, तो sigma by 4 ये रहा option A आंसर हो जाएगा, so that is it, ये आंसर हो गया। ठीक है, next question पे move करते हैं, ये काफी अच्छा question है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। All spheres are identical and initially uncharged. S1 is closed at t equal to 0, leaving all other switches open. ठीक है? पहले step by step एक-एक करके पढ़ते जाओ। पहले इसको पहले उसने क्लोज किया है और उसके बाद फिर लंबे टाइम के बाद मतलब S1 को चार्ज होने दिया एंड उसके बाद फिर बंद कर दिया। ठीक है, बंद होने दिया मतलब चार्ज होने दिया S1 को एंड उसके बाद फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर क्या किया उसने, उसने बोला कि आफ्टर सफिशियंटली लॉन्ग टाइम S1 इज ओपन, अब S1 को खोल दिया चार्ज होने के बाद, फिर S1 को खोल दिया तो उसकी पोटेंशियल अभी V1 हो गई, V हो गई होगी, V पे पोटेंशियल पे चार्ज हो गया होगा एंड S2 इज क्लोज्ड, अब S2 को क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि S2 को क्लोज करने का मतलब है कि अब S2 के साथ उसको पोटेंशियल इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब S1 और S2 का पोटेंशियल अब सेम होना पड़ेगा। अब सिंस S1 और S2 जो दो शेल्स दिखा रखे हैं वो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो इसका मतलब है चार्जेस दोनों इक्वली शेयर ही करेंगे। अगर चार्जेस इक्वली शेयर करेंगे मतलब पहले अगर चार्ज Q आ चुका होता तो उसमें हम क्लोज करने के बाद Q by 2 दिखा सकते थे दोनों के। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि पहले हमने क्या किया, ये हमारा
ग्राउंडेड टर्मिनल, ये भी ई का टर्मिनल है पोटेंशियल का, और यहाँ पे हमारा ये शेल है, और इस शेल की रेडियस हमने आर ले रखी है। अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है दूसरे से, फर्स्ट स्टेप में भी कनेक्टेड नहीं था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कनेक्टेड दिखा रहा हूं। तो इधर से अगर क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें क्यू चार्ज आ चुका है। तो फाइनली जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू बाई आर, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल वी अक्वायर कर चुका होगा, दिस इज विद द पोटेंशियल वी। तो इससे आपको क्यू भी पता चल चुका है, क्यू विल बी 4 pi epsilon naught into r into v लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से भी यूज हो जा रहा है। आपको पता है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, 4 pi epsilon naught r, एंड चार्ज निकालते हैं तो क्या करते हैं, c into v करते हैं, तो एक्जैक्टली c into v किया हुआ है, दिख रही है आपको। तो ये उसकी चार्ज हो गई है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद फिर उसने क्या किया था, s1 को ओपन कर दिया था, और s1 को ओपन करने के बाद फिर s2 को क्लोज किया था। तो अब क्या हुआ था, ये आपका स्फीयर s1 था और इसके साथ हमने s2 को कनेक्ट किया था एक स्विच के थ्रू। तो जैसे इसको क्लोज किया हमने, तो यहाँ पे q by 2 और यहाँ पे q by 2 के चार्ज आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस से इसको खोल दिया, उसने बोला देखो यहाँ पे after sufficiently long time s1 is opened and s2 is closed, the process is done till sn minus 1 is opened and sn is closed, मतलब n number of spheres है हमारे पास, और nth मतलब यहाँ पे first s1 जब close किया तो first वाला charge हुआ, s2 को close किया तो second वाला charge हुआ, तो वैसे ही sn को अगर close करोगे तो nth कोई एक shell होगा वो भी charge हो जाएगा, ठीक है। तो उसको चार्ज करने तक हमने ये काम अल्टरनेट करके एक को खोल रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, फिर दूसरे को खोल रहे हैं फिर इसको बंद कर रहे हैं, तो ऐसे करके चलता जा रहा है। तो अभी Q2 वाई चार्ज हो गया यहाँ पे, अब ये S2 स्विच था अपना, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद फिर इसने वापस से इसको खोल देंगे, ये देखो अब ये खुल चुका है, S1 देखो सिस्टम से अलग हो चुका है। अगर S1 सिस्टम से अलग हो चुका है इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, अगर S1 सिस्टम से अलग हो चुका है इसका मतलब ये अपना चार्ज वो चेंज नहीं कर सकता है, बट हाँ S2 और S3 जो है वो लोग आपस में चार्जेस शेयर करेंगे। अब अगर वो लोग आपस में चार्जेस शेयर कर रहे हैं तो पहले S2 के पास चार्ज कितना था, Q by 2, अब वो Q by 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट में, तो यहाँ पे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्ट में, तो यहाँ पे Q by 4 और ये भी आपका Q by 4 हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट वापस से अभी S3 और S4 के साथ होगा, तो वहां पे Q by 8 चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो इसमें चार्जेस कैसा दिखेगा, यहाँ पे Q by 2, फिर यहाँ पे Q by 4, फिर यहाँ पे Q by 8, फिर वैसे ही आपका चलता रहेगा। तो ये जीपी में अगर आप देखोगे तो चार्ज उसकी डिक्रीज करती चली जा रही है, कंसेक्यूटिव जो स्फीयर्स हैं उनकी चार्जेस डिक्रीज करती जा रही है, और उससे पूछा है नेट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। आरिया बात समझ में आपको, और इसमें आपको ये मान के चलना है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स है, मतलब ये एंड कहीं नहीं कर रहा, मतलब n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स मतलब n इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, ये आपको मान के चलना है। तो जो नॉर्मली किसी भी सिस्टम में अगर हम देखें तो जैसे एनर्जी लॉस निकालनी है कैसे निकालेंगे, आप कहाँ पे एनर्जी सप्लाई हो रही है और कहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है वो देखिए आप, और सप्लाइड एनर्जी से एनर्जी स्टोर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको, आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली जो शेल्स हैं उनमें कितनी कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है वो निकाल लो, एंड उसके बाद फिर उसको टोटल जो बैटरी ने वर्क किया है उसकी वर्क से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। बैटरी ने जो वर्क किया है वो चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी मल्टीप्लाइड विद ईएमएफ हो जाएगा, तो वो वर्क डन बाय दी बैटरी है, क्योंकि चार्ज को तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक उस बैटरी ने ही मूव कराया था, तो बैटरी ने जो वर्क किया है दैट इज क्यू इनटू वी, तो वो बैटरी का परफॉर्म्ड वर्क है। एंड जो स्टोर्ड एनर्जी सिस्टम में आपको दिख रही है दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, जिसको आप Q2 by 2R के फॉर्म में भी जानते हैं, या फिर आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके Q2 by 2C भी यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस वो यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप कन्वीनियंट लगे आपको उसी से यूज कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाना है। सो देयरफॉर फाइनली जब हम हीट एनर्जी निकालेंगे, सो जो कि लॉस ऑफ एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ द चेंज इन कैपेसिटर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, जो कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल है, एंड माइनस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर्ड के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे पहले में कितनी है, Q by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, ये C जो है ये ध्यान रखेंगे 4 pi epsilon naught r है, ठीक है, या फिर आप इसी को आप ऑल्टरनेटिवली आप इसी एक्सप्रेशन को सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल के फॉर्म में भी लिख सकते थे, के
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, अच्छा क्यू बाय 2 करना पड़ता आपको क्योंकि चार्ज क्यू बाय 2 है उसमें, के क्यू बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है, सेल्फ एनर्जी जिसको कहते हैं। तो ये हो गई आपके पास। फिर दूसरे वाले के लिए कितनी थी चार्ज, q बाई 4 हो गई थी, तो q बाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c करेंगे। फिर तीसरे वाले के लिए q बाई 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c करेंगे, और ये टर्म आपका चलता रहेगा इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को लिखें तो ये आ जाएगा q इंटू वी माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, कॉमन आउट कर लिया, एंड ये आ जाएगा 1/5, 1/4 भी कॉमन आउट कर लेते हैं, 1/4 भी कॉमन आउट कर लिया, तो जाएगा 1 + 1/4 + 1/16 प्लस, ये इन्फिनिटी तक चलना है, इनफिनिट जीपी है, ये आराम से कर सकते हैं, क्यू वी माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 8c एंड इनटू ए बाय 1 माइनस आर, सो 1/1 माइनस ऑफ 1/4, सो दिस बिकम्स क्यू वी माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 8c, c को हम वापस से c को q by v लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, या उल्टा भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप एक ही बात है, c को q by v लिख लेते हैं, q equal to cv है, तो c को q by v लिख लिया, यहाँ से ये q cancel out हो गया, and into आ रही है आपके पास 4/3 आ रही है, ये 4 इधर से cancel out हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, so यार ये है 1 - 1/6 मतलब 5/6 ऑफ क्यू वी, सो ये आ जाएगी 5/6 टाइम्स ऑफ क्यू, तो आपको पता था ऑलरेडी, क्यू आपने निकाला था, सी वी 4 πε0 r इंटू वी, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 πε0 r इंटू वी, और एक वी और है तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 2 से कैंसिल आउट कर लें, इसको 3 से कैंसिल आउट कर लें, तो ये आ रही है आपके पास 10/3 πε0 r इंटू वी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसमें आंसर जो है वो मैच नहीं कर रही है, अगर आप देखोगे तो आंसर मैच नहीं कर रही है, द आंसर इज नॉट मैचिंग ओवर हियर, दिख रही है आपको, ये एक बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें आंसर मैच नहीं करती है, देखो अरे नहीं नहीं आंसर मैच कर रही है, देखो आप अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 1 वही है, ये देखो 5/6 × 4 ये एग्जैक्टली वही है, ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर रही है, ठीक है, मुझे लगा आंसर मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये आपका आंसर कह सकते हैं।